चल गोनी तो गोला के बाद में देखो तनी कि हमारा लड़की के धो के जात के मुआ उआ के धो के सुता दिले बालो सन। बस ये तने हम देख ले लड़की के घर में गोनी कुल चूड़ी उड़ी आ जैसे कि कूलर लूलर रहे तो मन कुल तोड़ तार के बिक दलो बाक्सा के वो करा कुल ताला चाबी तोड़ दिले रहलो। हे जी गा बना तो फांसी लगला है जी ना हे जी कर गया बा मोबाइल में देख ले जा। हाँ हे जी बा जरला नहीं हो ऊ मर्डर कइल बा मर्डर एकदम कइल बा काहे कि हमनी जाए से पहले एगो लड़का फोन कइले बालन कहले बालन कि जल्दी से जल्दी आई जा 10 मिनट में ना लाश लेके भागा तलन जाई जगह वाले। अच्छा तब अगर फोन कइले बानी टिकटियो साथ देले रहस अगर हमना पहुंचे रहती हो जाए तो लाश रवाना हो गई। अभी हम बिहार के बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के मगराव सगराव पंचायत के रौनी गांव में मौजूद हूं और हमारे साथ एक आप देख सकते हैं एक पीड़ित परिवार है और इनका नाम जो है श्याम बिहारी राम है और इनकी पुत्री की शादी जो है विगत साल ही यानी 2022 में 12 मई को हुआ था लेकिन आज जो है इनकी बेटी को जो है दहेज प्रताड़ना को देकर जो है मार दिया गया है। बाकी ये भावुक पल है और कहीं ना कहीं ये काफ़ी विभत्स हैं। आपके राउर लड़की के साथ क्या भइल बा? हमनी के वही जगह बा गोइनी जान कहाँ अपना गाँव में काम करते रहना एगो हाँ एगो भाई के लड़का है वो हमारे खिने गोइल कहल कि ये चाचा संगीता के तबीयत खराब बा फिर भी हमारे से आके किला में कहल कि संगीता नहीं खे हमने के एजू से दौड़ल गोइनी जा कहाँ गई दौड़ल पूरा लक्ष्मीपुर जहाँ शादी हुआ लड़की जहाँ शादी हुआ है। अब वो जगह बा गोइनी जा तो देख तनी तो आगना में लड़की हमार पड़ल बिया देखते हुए जब ओकर मल शरीर देखनी जा तो नरेटी में ओकर हे जगह बा फांसला है फांसला टाइप के करिए हो गया। अब आदमी बात हो ना तो ले लगले में आ गई पुलिस अब वो पूछलस बेचारा कि फांसी ये लड़की लगाया है तो क्यों उतार दी कहीं को उतार दल हमने के तो गई नहीं जाता देख नहीं जाता आगना में सुतावल बिया आ वो बात कहता आदमी की फांसी लगा के मर गई ते सरकार हम फांसी पर लटकल देखब तबे ना मानब हम तो देखते नहीं कि अगना में सुतावल भी है सरकार ये हमारा पास घटना बा। और अच्छा ये बताइए और लगा था कि और बेटी खुदकुशी कर सकत रही ना ना ऐसन कोनो बात ना रहल ह ऐसन कोनो बात नहीं है ना मारल गिल बा मारल गिल बा ओकर सास ओकर ससुर ओकर पाहुन एगो देवर चार आदमी मिल के हमारा लड़की के मुँह में रुमाल दे के आ पटक के ओके मुआव दिहल फांसी गले फांस दिहल बा। का लोग का नाम है जिसके बता रहे हैं? देखी हम नाम एगो मुन्ना राम के जानते नहीं खाली अपन जो हमारा लड़के संगे शादी भइल बा उनके हम जानते नहीं खाली आ उनकरा बाबू के सीता जी का नाम उनका हीरालाल हीरालाल राम हाँ राम आ लड़का के मुन्ना राम। तो वो पार्टी कह रही है कि नहीं वो लड़की खुदकुशी मतलब की है कह रही है ना तो हम आखिर कैसे मानी जब लड़की रोहित फांसी पर लटकल तब ना हम मानती खुदकुशी लड़की करी एक मिनट खुदकुशी लड़की जब करती है तो उसका उस घर में यहाँ से वहाँ तक तो पूरे घर में चूड़ी नहीं फूटता चूड़ी फूटा था आप देखे थे हाँ गए थे वहाँ हाँ हम खुद गए थे हमारे साथ में काम कर रहे थे हाथ में तीन चार यहाँ से हाथ में उसका चूड़ी गड़ा था अपने से कोई फांसी पर लटकेगा तो चूड़ी तो घर में नहीं फूटेगा आ हाथ में चूड़ी नहीं गड़ेगा ये हम सामने देखा अपने। तो किस लिए आखिर उसको मारा गया है? दहेज को लेकर वो लड़की से वो लोग कह रहे थे कि मोटरसाइकिल दीजिए मोटरसाइकिल का तय नहीं था भैंस दीजिए 50,000 रुपया मांगिए आई तय नहीं था जो भी तय था वो हम तिलक में उसको दे दिए 2 रुपया 10 रुपया जो भी तय था उसको दे दिया है। आ 5 रोज पहले वहाँ पे गए थे उनके पिताजी
विदाई मांग रहे थे, वो विदा नहीं किया। तो लड़की को जान मारने के लिए, अब तो ये वही ना, इससे पहले उसको बहुत मारा पीटा लोग उन्होंने था, अक्सर मारता पीटता था। यही बात है। संगीता कुमारी जिसका उम्र जो है 19 वर्ष हो रहा था और वे जो है दहेज का शिकार चढ़ गई, और जिसके वजह से जो है उस लड़की की जो है लोग कह रहे हैं कि खुदकुशी कर ली, जबकि लड़की के घर वालों का कहना है कि उसे जो है मारा गया है। लेकिन ये कितनी शर्मनाक बात है और कितनी विभत्स ये बात है कि किसी बेटी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसका बाप जो है दहेज देने में सक्षम नहीं होता है। और ये ड्वेरी सिस्टम जो है पूरे बिहार भर में जो है इलीगल है। इलीगल होते हुए भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी बेटी थी जो आप इस दुनिया में नहीं रही। हरवा कब पता चल? हमारा को पता चलल कि हम घास के गुरानी हमारा लड़का फोन कर लो तो ए जी आईनी तो हमारा के वो जी गवा के आदमी दूसर कोई आदमी कहत ना कि तू जा हॉस्पिटल में भी लड़की ले भेंट कर ल। तो हम ए जी गवा ले केहू नहीं के कहले दूसर कोई कैले बा, तो दूसरे के कहना पर हमनी के भागल वो जी चल गई नहीं। तो गोला के बाद में देखो तनी कि हमारा लड़की के ध के जात के मुआ उआ के ध के सुता दिले बालो सन। बस ये तने हम देख ले लड़की के घर में गई नहीं कुल चूड़ी उड़ी आज जैसे कि कूलर लूलर रहे तो मन कुल तोड़ तार के बिक दलो बक्सा के वोकरा कुल तला चाबी तोड़ दिले रहल सन। जेने न तेने ओकर कपड़ा भी सब फेंक दियल सन, फेंकल रहे ओकर जितना सामान रहे उतना पलंग पर ले उ पलंग पर फेंक दिले रहल सन। ऐसे कि हमारा लड़की के तोपले रहल सन आ सुबेरे के टाइम में ओकरा ले जाए पहले पड़ाका ओकरा के तोले आदमी जगरम हो गई बा, जगरम हो गई बा तो हमारा लड़की के ले नहीं खस गए। एकरा बाद में जब ले गई बल सन वो जगह डकडरी में तोले पहले ही लड़की के हमारा का कहला कि कुल फेंके खातिर ओकरा के धोय के बांध के ले जात रहल सन। हौहे लड़का हमार बा उहे लड़का हमार छेकले बा है ना, उहे लड़का छेकलस उहे कहलस आ कि ये का कि तू आ जल्दी तब हमनी के गुनी जत बाबू भेंट भइल बा। हाँ बस इहे बात बा बाबू आ हे जी गा बना तो फांसी लगला हे जी ना हे जी करिया बा मोबाइल में देख ले जा। हाँ हे जी बा जरला नहीं है जान जी। तो अब वो काम मांग कर चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम काम मांगे न्याय इहे मांगल चाहते नहीं कुनकरा के बंद कोई जैसन मर बेटी के साथ के लिए। हाँ उनकरा के जिंदगी भर का हम बन कल चाहतनी। अच्छा और बेटी इतना कमजोर रही है का संगीता कुमारी जो उनकी सुसाइड कर सकत रही? ना ना रही है वैसा ना मर्डर कैल बा, मर्डर एकदम कैल बा। काहे कि हमनी जाए से पहले एगो लड़का फोन कैले बलन, कहले बलन कि जल्दी से जल्दी आई जा, 10 मिनट में न लाश लेके भाग तलन जाई जिगा वाले बुझाइल कसहू रोकले वाला प्रशासन बोलवले वालन तले हमनी के पहुँच गल जा। 10 मिनट के बाद प्रशासन आइल बा अपन लिखले पढ़ले बा, बाकी वो प्रशासन कहता कि लड़की जब हत्या कल केवाड़ी काहे खोलल काहे ना गाँव ससुरा के बोलवल नैहर के आदमी काहे ना बोलवल ओकरा पाँच गो गाँव समाज के आदमी काहे ना बटोरल आई ओकरा बाद कुछ बोलता ही नहीं खंजा सब चुपचाप लगाइल बा। वे अच्छा जब ये जब कांड भइल बा तरो सब के बतावल गइल बा कि ना? ना कोई ने के बतावले अलग ले फोन आइल बा, फोन उठावले बानी तो कहले बानी इहे के गांव के एगो लड़की है बक्सर के ओ जब बिहल बाली कितपुरा में, तो कहले बाली कि हम फोन उठावले बानी तो कहले बाई कि ये बचिया तहन जानी मिले खातिर आ जा, भेंट करे के बाद जेकरा भेंट कले तो हम अपनी कुछ खास बात बात अब बचिया तो हम इतने पहले कह दी काट दिली फोन कहली कि अब एक पहले कुछ ना हम बताई फोन काट दिली और कुछ बात ना कहली हमारा से फोन इतने पर हम बूढ़ी के लेके बूढ़ा के लेके सब कोई के हम पहुँचल बन जा। जब पहुँचल बन जा तो लड़की सुतावल फांसी लगा के मुआ दिल बलन जा सुता के गाँव से सब कोई चुपचाप बैठल बा अंगना में। राजकुमारी सर लड़की कुछ लगे जी भाभी ये लड़की की भाभी है और पूरा आपका पूरा जो है परिवार जो है काफी बिल्कुल शोकमय है। अकार वो लगा था कि सुसाइड कर ले सर कहले बड़ी नहीं सर लड़की की बहन है जी।
सुसाइड ना कर ले भाई सर गरक मारल गइल बा फांसी देहल गइल बा ई बात कैसे रे कह सकत नी कि मारल गइल का हतनी सर जी जब फांसी लगइले भाई चाहे फांसी लगावती त पता सब कोई के चाहे टेंशन करती त फोन काहे ना कइलन जा घरे लिया आवे खाती कि हईसन बाई चाहे फांसी लगायो ली बाई चाहे फोन क के कहतन जा जब उ फांसी लगइल बे चाहे झगड़ा भइल बा त उ आ के कहतन जा कि हां माने झगड़ा कइले बाई त आ के अपन बेटी लिया जाए ते ई हलम गुजर लहु भाई फांसीओ दे देले बालन जे मुइयो देले बालन तब तक फोन नै खंजा कइली हमर भाई एगो ओहर काम करत रहलन उहे गोइ रहलन न ओका बडन हमर भाई अच्छा कोइ दे त उ बानी न त उहे फोन कइलन आ त सब कोई जान अच्छा इधर आई आप ही थे सबसे पहले लइका जे क्या होत आप जरा बताइए डिटेल हमरा के इहा से फोन गइल बा हम काम करते हई ये चौसा में भाई कइलन एक छोट कहतन कि जाओ जे पता लगाबो बुचिया के तबियत सीरियस बा तो हम कहें ठीक है बा तो हम दूसरा के एड्रेस लेके तियारा के एड्रेस लेके वो रिलेशन बा वोजा के एड्रेस लेके गोइनी तो पूछ के हीरा लाल के घर कौन है कहते हौ सामने वाला है तो पूरा भीड़ लग रहा रहती में गोइला के बाद पूछनी तो कहता सर कि लड़की के पेट में दर्द रहा है हम कहें ठीक है बा एगो लेना चार पाँच गो ले पूछनी तो ये बात भइल कि पेट में दर्द रहा कोई दवाई ना होते तो कहते से दवाई हो रहा ओकरा बाद घर में भीड़ लग रहा तो कोनी कि एम का भइल बा कहते से कि फांसी लागल बा एगो बूढ़ औरत कहलस कि फांसी लगे ले बड़ी हम कहनी कैसे तो का कुछ मेटरल हो तो हम कहनी के जाना था कि दूसरे हो ही आदमी हवा बना देला हम कहनी पहले चेहरा हमके देखा जाए चेहरा देखेला के बाद हमार बुचिया रहा चाचा के लड़का है तब हम सगरे फोन कैले बानी टिकटियो साथ दिल रह अगर हम ना पहुँचे रहती हो जाए तो लाश रवाना हो गए हाँ ओकरा बाद हम रोड पर गइल बानी सगरे फोन लगा दिले ओकरा बाद हाँ सब जान गइल अब लोग आप लोग क्या मांग कर रहे हैं क्या मांग कर रहे हैं वो लोग फांसी के सजा सुनाएंगे और क्या दहेज के लिए कभी फोर्स करता था वो लोग दहेज हाँ टर्चन तो बाकी कह रहे थे हाँ बराबर उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ के आला अधिकारी और जो यहाँ के प्रशासनिक महकमे के लोग हैं कार्रवाई करेंगे और जो जो भी इस मामले में व्यक्ति संलिप्त है उस पर कार्रवाई होगी बाकी ये पूरे गांव के लोग हैं क्या कहिएगा सर क्या लगता है कि सुसाइड है ये सुसाइड नहीं है ये मारा गया है मैं कल गया था इन लोगों के साथ FIR करवाने ये लोग लेकर गए हमको वहाँ हम गए थे वहाँ इनका तबीयत ख़राब था इनकी पत्नी का स्वामी हरिराम का माया देवी का हम लोग गए वहाँ शाम के टाइम पे तबीयत सही हुआ तो गए हम लोग FIR करवाए मुफसिल थाना में और वहाँ से हम लोग बोले कि सर ये जो है ये सुसाइड कर नहीं सकते गांव में ऐसे लोग रहते हैं तो होता है थोड़ा सा भी रहता है ना लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है इसका मई में शादी हुआ था पिछले साल इस तरह का बात आ गया यहाँ तक कि जो परिवार है वो फोन भी नहीं किया इन लोग इस लड़के के द्वारा कैसे कैसे फोन आया तो ये फोन किया फोन करने के बाद यहाँ से लोग पहुँचे जब ऐसा मैटर रहता तो घर में थोड़ा सा भी विवाद होता है तो उसके घर तक लोग पहुँचाते हैं कि आपका लड़की ऐसी है लेकिन ये परिवार सब मिलकर और उसको मार दिया है दहेज के लिए मार दिया है और इनसे कह रहा था लड़की कभी आती थी तो कहती थी कि गाड़ी के लिए और भैंस के लिए बार बार हमको प्रताड़ित कर रहा था मारपीट रहा था तो इसको कड़ी से कड़ी सजाएं मिले और न्याय मिले हम यही चाहेंगे कि इस तरह का किसी के साथ बेटी के साथ न हो इस चीज़ पर न्याय हमारे कानून न्याय दिलवाए हम यही चाहेंगे बिल्कुल और वाकई में धरातल लेवल पर अगर कानून जो है इंसाफ करने में प्रतिबद्ध है तो उचित तौर पर जो है ऐसे मामले में संलिप्त लोग जो है पर कार्रवाई हो बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ और आप जनतंत्र पर देख रहे थे कैमरे पर हमारे साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी बहुत बहुत धन्यवाद